नमस्कार दर्शक बंधु मु लक्ष्मी रोसई विथ लक्ष्मी रे आपण मानको अनेक अनेक स्वागत। आज मु आपण मानक सहित सजना छुई एवं आलू रो बेसरा बा तरकारी रेसिपी शेयर करबी जहाँ को कि बनेबा बहुत सहज एवं खाइबा को बहुत टेस्टी मध्ये लागी थाए। तो चलंतु देरी न करबे फटाफट रेसिपी स्टार्ट करनेबा। एठी प्रथमे मु किछि सजना छुई को एमती टिके लंबा लंबा रखी काटि नै छी एवं छुई रो बहुत बढ़िया भाबरे चोपा को छड़ै नै छी। सजना छुई रो चोपा को आपण बहुत बढ़िया भाबरे छड़ै नेबे नहले टिके पित्ताळिया लागिबो। एठी मु दुईटी मीडियम साइज रा आळू को मध्य एमती लंबा लंबा काटि नै छी। आळू रो चोपा छड़ै कि बहुत बढ़िया भाबरे धोई नै छी। तो एबे आसंतु आम सजना छुई तरकारी पई गोटे मसला रेडी करि नेबा। एटी प्रथमे गोटे मिक्सचर जार रे हमें 15 रु 20 पाकुड़ा रसुन दे दबा एवं गोटे इंच दे दबा अदा गोटे मीडियम साइज रा प्याज को एमती लंबा लंबा काटि के एथरे बे दे दउची। एबे एथरे गोटे मीडियम साइज रा टमाटर को मध्य एमती पतला पतला काटि के दे दबा एवं दे दबा दुईटी कंचा लंका। कंचा लंका देबा तरा बहुत बढ़िया फ्लेवर आसीबो। आउ एबे एठी मु 2 चम्मच सोरिस एवं गोटे चम्मच जीरा को पानी रे 15 रु 20 मिनिट पे भिजे के रखितली। तो ए जीरा सोरिस को एबे दे दबा। एबे याको कवर करके आरो गोटे स्मूथ पेस्ट बनेइ नबा। तो एबे चलन तो जीवा कुकिंग प्रोसेस को। एठी मु गोटे कढ़ाई गरम करी सेइतरे दे दउची गोटे बड़ चम्मच पाखा पाखी रिफाइन तेल। तेल बहुत बढ़िया भाव गरम होगा पर एठी मु 10 रु 15 टी बड़ी की दे दउची। बॉडी को लो मीडियम फ्लेम रे पूरा गोल्डन ब्राउन हेला पर्यंत बहुत बढ़िया भाव भाजी नेबा। सजना छुई तरकारी रे बॉडी देले खाइबा को बहुत टेस्टी लगी थाए। तो एटी देखंतु बॉडी हमरा पूरा गोल्डन ब्राउन होई कि भाजी हे गलानी। तो बॉडी के पे गोटे प्लेट को काढ़ के रखी नेबा। एबे सही तेल रे हमें काटि के रखी थिबा आलू को सबु दे दबा एवं आलू को मीडियम फ्लेम रे पूरा गोल्डन ब्राउन हेला पर्यंत बहुत बढ़िया भाव भाजी नेबा। एक देखंतु आलू हमरा हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होता स्टार्ट हो गला। आलू को हमें यही रेसीपी बेसी भाजीबा ना ए आलू को हमें काढ़ की गोटे प्लेट को रखी नेबा एवं से तेल रे हमें रखी छुई को मध्य टिके भाजी नेबा। सजना छुई को आपण माने बेसी गोल्डन ब्राउन करके भाजीबे ना टिके एमती हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो गला परे याकू हमें काढ़ की गोटे प्लेट को रखी नेबा। तो आपण माने मध्ये छुई को थारे एमती भाजी की तरकारी करंतु। भाजी की तरकारी कला परे केंती लागला मते मो कमेंट बॉक्स रे कमेंट करे निश्चिंत जणाइबे। एबे सेही बळका तेल रे आमे दे दबा हाफ चम्मच पाखा पाखी जीरा। जीरा बहुत बढ़िया भाव फुटी गला परे एबे एथरे आमे ग्राइंड करी रखीथवा मसाला को दे दबा। मसाला को तेल संगे रे टिके बहुत बढ़िया भाव मिक्स करि नबा। एठी ग्राइंडर जार रे के मसाला लागितला तो एथरे मु अल्प किछि पानी देके बे सेही पानी को पुणी तरे मसाला संगे ऐड करि नेउछि। आउ एबे एथरे हाफ चम्मच लुण बा स्वाद अनुसार लुण दे दबा। हाफ चम्मच दे दबा लंका गुंड। आउ हाफ चम्मच दे दबा हळदी गुंड। लंका गुंड रा परिमाण आपन को टेस्ट हिसाब रे आपन कम बेसी मध्ये करि परिबे। ए सब जिंस को टिके बहुत बढ़िया भाबरे मिक्स करि नेबा। आउ मीडियम फ्लेम रे आपको 4 रु 5 मिनिट पर्यंत बहुत बढ़िया भाबरे कसि नेबा। एटी देखंतु पाखापाखी 4 रु 5 मिनिट पर मसाला हमरा बहुत बढ़िया भाव कसी हेगला तेल मध्य बाहर को बाहरी आसी। तो यही समय आम भाजी की रखी आलू एवं सजना छुई को दे दबा। आउ एबे एथरे मु गोटे मीडियम साइज रो टमाटो को एमती लंबा लंबा काटि के ऐड करि नेउछि। एमती टमाटो काटि के दबा द्वारा वासना बहुत बढ़िया आसीबो तरकारी रे। एबे सब जिंस को टिके बहुत बढ़िया भाव मिक्स करि नेबा एवं पुणी थरे याको गोटे रु 2 मिनिट पर्यंत बढ़िया से कसी नेबा। एटी देखंतु हमरा सजना छुई आलू एवं टमाटर बहुत बढ़िया भाव कसी हे गला। तो सोरिष मसला को आपण माने बेसी समय कसिबे नाही नले पित्ता लागिबो। तो ए समय रे हमें भाजी के रखीथिबा बॉडी को सब दे दबा जहाँ फल कि बॉडी हमरा बहुत बढ़िया भाव सिझी जिबो। एबे एथरे आवश्यक अनुसार पानी दे दबा। तो पानी रो परिमाण एठी मु टिके अधिक देउची काहेकि ना मु टिके झोल रखिबे। आपण को जेते कि ग्रेवी पसंद आपण से हिसाब रे पानी रो परिमाण कम बेसी करि परिबे। पानी को दे सला परे आकु टिके बहुत बढ़िया भाव मिक्स करि नेबा एवं कवर करके आकु मीडियम फ्लेम रे 5 रु 7 मिनिट पे फुटिबा पे छाड़ी देबा। एटी देखंतु पाखापाखी 7 मिनिट होइ गलानी। तो एठी मु लिड काढ़ के चेक करि नेउची। एठी मते जेते कि ग्रेवी दरकार थिला सेते कि ग्रेवी मध्ये बनि गलानी एवं हमर आलू सजना छुई बहुत बढ़िया भाव सिझी जायची। एबे इथरे मु किछि धनिया पत्र को एमिति छोटो छोटो चॉप करके दे दउची। एठी आपण चाहिले हाफ चम्मच गरम मसला मध्ये दे पारिबे किंतु गरम मसला देले सोरिष मसाला रा किछि बासना रहिबो नाही।
সেইথিপাই এটি মু গরম মশলা ইউজ করুনি তাকে পুনি থারে বহুত বড়া ভাবে মিক্স করে নেবা এবং গ্যাসের ফ্লেম কো অফ করে নেবা ইয়াকু আপনা গরম গরম ভাত সহ সার্ভ করিবে খাইবাকু বহুত টেস্টি লাগিব তা আশা করছি আজির এই রেসিপিটি আপনমানকু নিশ্চিত পছন্দ আসিব পছন্দ আসলে ভিডিওকু লাইক শেয়ার করিবাকু বিলকুল বি ভুলিবে নাহি আউ আগুকু এমতি নুয়া নুয়া রেসিপির ভিডিও দেখা পাই মো চ্যানেলকু সাবস্ক্রাইব করে নেবে সবসক্রাইব কলা পরে পাখে গোটে ছোট বেল আইকন আসবে তাকে প্রেস করি অল বটন কু ক্লিক করে নেবে যাফলে কি মু অপলোড করুথিবা প্রতিটি নুয়া ভিডিওর নোটিফিকেশন সর্বপ্রথমে আপনমান পাখে পৌঁছি পারিব তো আজি পাই রহিলি বাই পুনি দেখা হবা এক নুয়া রেসিপি সহিত আউ এক নুয়া ভিডিওরে।